लेट्स बिगिन अ सेशन फॉर द डे कल हम लोगों ने जो क्वेश्चन किया था इल टेक मी अ मिनट टू डू अ रिकैप और उसके बाद आई गेस वी ऑल कैन स्टार्ट टू बी डूइंग द थिंग्स ओके प्रोसेस वन अकाउंट ही बनाना था इधर आपके पास अमाउंट्स थे ये ओपनिंग स्टॉक का अमाउंट ये यहाँ पर डाल दिया था फिर उसके बाद नेक्स्ट तीन कॉस्ट डेबिट साइड में इधर डाल दिया था फर्दर इन दिस केस यहाँ पर जो ये वाली चीजें ये तो क्वांटिटी था चार हजार का ओपनिंग उसके बाद मटेरियल्स इनपुट ट्वेल्व थाउजेंड प्रोसेस टू को इतना गया क्लोजिंग स्टॉक को इतना गया ठीक है एक बार हम लोगों ने यहाँ पे क्वेश्चन uh, इतना नोट डाउन कर लिया था उसके बाद वी स्टार्टेड टू सॉल्व और जब सॉल्व करने लगे तो अब हम लोगों ने सोचा बाय डिफॉल्ट वी हैव टू फॉलो विच मेथड तो फीफो मेथड तो फीफो मेथड के हिसाब से जो पहले स्टार्ट हुआ वो पहले खत्म हो गया तो चार हजार दस हजार के अंदर होगा ठीक है अपार्ट फ्रॉम दैट इन दिस पर्टिकुलर केस यहां पर आ, बाकी छह हजार जो है वो इसके अंदर से होगा

आ, या वो वाले फोर थाउजेंड या फिर आ, ये वाले फोर थाउजेंड बात वही होती है ठीक है उसके बाद स्टार्टेड एंड फिनिश्ड ये ये वाले छ हजार थे या ये वाले छह हजार थे ठीक है या फिर इन दिस पर्टिकुलर केस यहां पर स्टार्टेड एंड नॉट फिनिश ये वाले छः हजार या ये वाले छ हजार आपको जो भी वो बोलने का है ठीक है अपने को इस वक्त स्टेज ऑफ कंप्लीशंस की जरूरत पड़ती है लेकिन स्टेज ऑफ कंप्लीशन अपने पास था वैसे तो ओके था तो ओपनिंग के अंदर 25 परसेंट है ठीक है तो इस पीरियड के अंदर 75 फाइव परसेंट आया रहेगा ठीक है मटेरियल के लिए नहीं लिखा था ओके वो बोल दूंगा थोड़ी देर में क्यों स्टारिन एंड फिनिश तो हमेशा 100 परसेंट ही होता है ठीक है और उसके बाद एंड नॉट फिनिश इधर ट्वेंटी था तो बेटा फिर तो यहां पर भी ट्वेंटी ही आ जाएगा ठीक है इस चीज के साथ हम लोगों ने अपना इतना जो पार्ट है ना बेटा वो पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया था ठीक है अभी इस क्वेश्चन के अंदर तुमको सम नहीं बताएगा ओके okay? ये कई चीजें तुमको एक्सपीरियंस से ही आने वाला है यहां पे डेटा वॉज इन के जीज इफ डेटा इज इन के जीज देन इन दैट पर्टिकुलर केस यहां पर वट द हेल इट मैटर्स ओके मेरे को बहुत लोगों ने इनफैक्ट आई थिंक अराउंड एटी टू मेरे को कल आंसर्स वगैरह कुछ आए थे आई थिंक सो आई एम नॉट वेरी श्योर ऑफ दैट नंबर मोर देन एटी परसेंट करेक्ट ओके सो दैट इज ब्रिलियंट बाइट दैर इज ब्रिलियंट 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 ठीक है अभी याद रखना कभी भी आपको डेटा केजीस के अंदर के दिया रहता है मटेरियल का स्टेज ऑफ कंप्लीशन समसे नहीं लेने का बिकॉज इट इज इंप्लाइड ठीक है मैं एक लाइन बोलने वाला हूं ठीक है वो एक लाइन अगर आंसर करेक्ट आंसर आ भी गया था ध्यान से सुनना ये वाला लाइन ठीक है सॉलिड सुनना सॉलिड सुनना ओके okay, सुनो देखो बराबर से सुनना मैं क्या बोलता है इन दिस प्रॉब्लम फोर थाउजेंड ऑफ ओपनिंग डब्ल्यू आई पी बिकेम फोर थाउजेंड केजीज ऑफ फिनिश गुड्स अगर शुरू में भी फोर थाउजेंड केजीस था एंड फोर थाउजेंड केजीज हैज बिकम फोर थाउजेंड केजीज ऑफ फिनिश गुड्स दैट इट्स सेल्फ मीन्स की मटीरियल कुछ एड ही नहीं हुआ क्योंकि चार हजार किलो तो शुरू में भी था तुमको ये चीज समझा कुछ और बोलता हूं देखो कुछ yes, कुछ और मैं तुम लोग को अजीब अजीब एग्जाम्पल्स देता रहता हूं इससे पहले फिर क्या होता था इससे पहले ना डेटा यूनिट्स के अंदर होता था ठीक है देखो अभी दो आकाशवाणी करता है सॉलिड सोना ये बहुत इंटरेस्टिंग रहता है इनकेसल कैन स्टार्ट टू विजुअलाइज ओके इट शुड बी रिमेंबर दैट वन यूनिट ऑफ ओपनिंग डब्ल्यू आई पी माइट बिकम वन यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स एंड माइ स्टिल रिक्वायर मोर मटीरियल तुमको समझा सुनो कार्टून okay. देखो सपोज हम लोग मैं हमेशा पेन का एग्जाम्पल वो देता है सपोज इन दिस केस नो प्रथम वो करेक्ट है सुनो हम लोग कैलसी बनाता है ठीक है हम लोगों ने ना पिछले पीरियड के अंदर सिर्फ इतना ही कैलसी बनाया सिर्फ इतना ही कैलसी बनाया ये जो की बोर्ड वाला हिस्सा है ये सब कुछ बनाया ही नहीं ठीक है कैन वी आई हैड वन यूनिट इन ओपनिंग डब्ल्यू आई पी पहले को सिया yes, मेरे पास एक कैलसी था वो आधा था लेकिन yes, मेरे पास sir. एक कैलसी तो था ना तो अब जरा ध्यान से वो सोचना इन दिस पीरियड वन यूनिट ऑफ ओपनिंग डब्ल्यू आई पी माइट बिकम वन यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स एंड माइट स्टिल रिक्वायर मोर मटीरियल्स तुमको समझा मैंने क्या बोल दिया yes, पहले मेरे पास सिर्फ इतना ही कैल्सी बना हुआ था मैंने इस पीरियड के अंदर इतना वाला कैल्सी और बना दिया लेकिन इतने कैल्सी को इतने कैल्सी के ना कन्वर्ट करने के लिए और मटेरियल की जरूरत पड़ेगी ना अपने को बट इट कैन नेवर एवर गुड्स एंड विल स्टिल रिक्वायर मोर मटीरियल क्योंकि एक किलो तो शुरू में भी था ना अच्छा awesome. मेरे को एक चीज जरा बोलो प्रोडक्ट का वेट 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 किस चीज की वजह से होता है मटेरियल लेबर के ओवर मटेरियल मटेरियल वर्कर प्रोडक्ट के अंदर जाकर तो बैठ नहीं जाता ओके इन दिस पर्टिकुलर केस अगर ओपनिंग डब्ल्यू का वेट एक किलो था और फिनिश गुड्स जो बना वो भी एक किलो ही था मतलब इन दिस पर्टिकुलर केस तुम्हारा मटीरियल तो और कुछ एड हुआ ही नहीं ना इससे पहले वाले क्वेश्चंस के अंदर डेटा यूनिट्स के अंदर होता था तो मैं वो वाली आकाशवाणी फिर से कर रहा हूं एंड यू विल कंप्लीटेड इट शुड ऑलवेज बी रिमेंबर दैट वन यूनिट ऑफ ओपनिंग डब्ल्यू बिकम्स वन यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स एंड माइट स्टिल रिक्वायर मोर मटेरियल्स समझा बट इट कैन नेवर है वन के जी ऑफ ओपनिंग डब्ल्यू आई पी बिकम्स वन के जी ऑफ फिनिश गुड्स एंड विल स्टिल रिक्वायर मोर मटीरियल ओके क्योंकि एक किलो तो शुरू में भी था ओके okay. कुछ और एग्जाम्पल देता है इफ दैट इज नॉट कन्विंसिंग तुमको हमेशा क्या सोचना होता है इस पीरियड के अंदर और कितना मटीरियल एड हुआ ओपनिंग स्टॉक के अंदर ठीक है इस क्वेश्चन के हिसाब से अगर बात करूं तो फिर कुछ और चलो वो बोलता हूं उसके बाद फोर थाउजेंड केजीज ऑफ ओपनिंग डब्ल्यू आईपी बिकम फोर थाल तो ऐड हुआ ही नहीं तो ये वाला जो चीज है इधर जीरो आ जाएगा ठीक है अभी मैं क्या कर रहा हूं कुछ और आलतू फालतू एग्जाम्पल दे रहा हूं ठीक है हम लोग ना अमूल कंपनी है हम लोग ना अमूल कंपनी है ठीक है हम लोग मिल्क बनाता है ठीक है टेट्रा पैक वाला टेट्रा पैक वाला तो तुमको अभी समझ में आएगा अपना रॉ मटेरियल भी तो मिल्क ही होएगा ओके करेक्ट नो अभी रॉ मटेरियल भी मिल्क ही होएगा हम लोग रॉ मटेरियल बफलो से एक्सट्रैक्ट करके फिर उसको आगे प्रोसेस करके उसको फिनिश गुड्स के अंदर कन्वर्ट कर देता है ठीक है जो हम लोग फाइनली बनाता है ना मैं उसको फिनिश गुड्स मिल्क बोलता हूं ठीक है और जो हम लोग बफलो से एक्सट्रैक्ट करता है मैं उसको रॉ मटेरियल मिल्क बोलता हूं ठीक है अब जरा ध्यान से सुनना कोई एक मंथ की बात कर रहा हूं मार्च की कोई एक मंथ की बात कर रहा हूं मार्च की मार्च के अंदर हम लोगों ने बीस हजार लीटर ठीक है ऑफ मिल्क बफलो से एक्सट्रैक्ट किया ठीक है बीस हजार लीटर ऑफ मिल्क बफलो से एक्सट्रैक्ट किया एक्सट्रैक्ट किया ठीक है अभी ऑब्वियसली एक बफलो से नहीं आके बहुत सारा डोंट एक्सप्लोइट ओके सुनो तो बीस हजार लीटर ऑफ मिल्क हम लोगों ने एक्सप्लॉइट किया एक्सप्लॉइट किया एक्सट्रैक्ट किया एक्सट्रैक्ट किया ठीक है अभी ट्वेंटी थाउजेंड को हम लोग प्रोसेस कर रहा था क्योंकि अपने को उसको फिनिश गुड्स मिल्क के अंदर कन्वर्ट करने का था उसके अंदर से सोलह हजार लीटर पूरा का पूरा प्रोसेस हो गया तो यू से वो फिनिश गुड्स बन गया ठीक है अभी आगे बराबर से सुना मेरे को जरा बोलना बाकी चार हजार लीटर ऐसा है जो मिल्क तो है लेकिन अभी तक फिनिश गुड्स मिल्क नहीं है तो दैट इज योर क्लोजिंग डब्ल्यू नो तो दिस इज योर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यू ठीक है दिस इज योर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यू ठीक है अभी इस पीरियड के अंदर इस पीरियड के अंदर ध्यान से सुनना जरा प्लीज दिस फोर थाउजेंड लीटर्स ऑफ क्लोजिंग डब्ल्यू आई पी

कुछ भी नहीं क्योंकि दूध तो शुरू ही था ना अपने पास समझ में आता है सो देर फोर ये वाला जो फिगर है यहां पर ऑब्वियसली कितना आ जाएगा जीरो लिखो तुम लोग जीरो प्रथम वो करेक्ट है आगे अभी ये वाली जो चीज है ये तो हंड्रेड परसेंट ही आएगी लास्ट सुनो तुम्हारे हिसाब से यह वाला फिगर तो कितना आएगा बोलो सब लोग हंड्रेड परसेंट और अगर किसी को यह चीज का यकीन नहीं है अब मैं बिल्कुल रिवर्स बात कर रहा हूं यह छह हजार किलो ऑफ क्लोजिंग डब्ल्यू आईपी नेक्स्ट ईयर छह हजार किलो ऑफ ओपनिंग डब्लू आईपी बन जाएगा और नेक्स्ट ईयर ये छह हजार किलो ऑफ ओपनिंग डब्ल्यू आईपी छ हजार किलो ऑफ फिनिश गुड्स बन जाएगा तो क्या नेक्स्ट ईयर और मटीरियल की जरूरत पड़ेगी नो, नो क्योंकि पूरा मटीरियल इसी पीरियड के अंदर एड हो गया अरे समझ में आता है

सर, स्टेज ऑफ कंप्लीशन तो इंप्लाइड है सर ओके एंड दैट विल बी जीरो हंड्रेड हंड्रेड ठीक है यहां पर लिख के रखना तुम लोग इंपॉर्टेंट मटेरियल के ऊपर बस और अभी मेरे को इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं है यही एक चीज मिसिंग था जिसकी वजह से तुम्हारा सम अटका हुआ था सम खत्म कर लो पूरा सम हेड टू टेल अभी खत्म कर लो और टैली कर लो बेटा प्लीज ये 2.2 आता है 11.2 आ जाता है

ये तुम्हारे दुआन सर क्रेडिट साइड पे जाएंगे सम टैली हो जाएगा हो गया बेटा ऑल ना चलो सुनो इस क्वेश्चन का मैं शॉर्ट्स पढ़ रहा हूं सुपर इंपॉर्टेंट फॉर मी ठीक है इस क्वेश्चन के अंदर आई लव दिस पर्टिकुलर एडजस्टमेंट ऑफ मटेरियल मैंने उसके बारे में काफी चीजें वो लिखा है ताकि कभी वो भूले ना वेन एवर डेटा इज इन केंस मैंने एक बार ये वाला चीज शायद पूछ भी लिया था Whenever data is in kgs, litter, tons, or tons, that is absolute uh, units of weight, stage of completion of material is implied. Don't take it from the problem. Opening WIP incomplete units is 4000. In this period, it will become 4000 4, kgs of finished goods. Hence, we are not adding weight, that is, we are not adding material. Therefore, material added in this process will be zero. It should always be remembered that one unit of opening WIP will become one unit of finished goods and might still require more materials. But it can never ever happen that one kg of opening WIP will become one kg of finished goods and will still require more materials. Okay, but we statement cheese lika. Material key rakana refer shots. चलो सुनो अगर ये तीन क्वेश्चन हम लोगों ने अभी तक स्टेज ऑफ कंप्लीशन वाले ना तीन क्वेश्चन किए पहला ऑल नॉर्मल क्वेश्चन सेकंड उसी का एक रेप्लिका किया था फिर उसके बाद ये वाला डेटा किया के के अंदर अब मैं क्या कर रहा हूं इन माई नेक्स्ट फ्यू क्वेश्चन आई एम स्टिल ऑन टू प्रोसेस वन ओनली प्रोसेस टू के अंदर जाने के लिए टाइम है अभी तक लेकिन प्रोसेस वन के अंदर नॉर्मल लॉस डाल रहा हूं एबनॉर्मल लॉस डाल रहा हूं और एबनॉर्मल गेन डाल रहा हूं ठीक है एक बार ये तीनों टाइप ऑफ क्वेश्चन हो जाएंगे मतलब नॉर्मल लॉस एब नॉर्मल लॉस और एब नॉर्मल गेन वाले फिर हम लोग ऐसे क्वेश्चन करेंगे बेस्ड अपॉन वेटेड एवरेज सॉरी फॉर द मेथड बट सब्सिक्वेंट प्रोसेस बोले तो प्रोसेस टू प्रोसेस थ्री वगैरह एक बार ये हो जाएगा दिस विल फिनिश ऑफ ऑल द क्वेश्चन फॉर फीफो मेथड फिर उसके बाद विल ट्राई आर लक विद लीफो मेथड एंड विद वेटेड एवरेज मेथड ठीक है तो दैट विल फिनिश ऑफ ऑलमोस्ट यूर एंटायर ट तो मैंने ना तुम्हारे जो सम्स है ना ऐसे ही अरेंज करके वो रखे हुए हैं पहले सारे क्वेश्चन ऑफ फीफो फिर बीच में टिक्चू सा क्वेश्चन ऑफ लीफो और लास्ट में क्वेश्चन ऑन बेडेड एवरेज मेथड ठीक है तो अभी भी ये फीफो मेथड ही है आज का अपना पूरा सेशन जो है वो वैसे भी फीफो मेथड के ऊपर ही बीतने वाला है ठीक है Question number 14. The following data are available in respect of process 1 for the month of Feb. Opening WIP 800 units at total cost of 4000. Degree of completion of opening WIP material 100%, labor 60, overhead 60%. Take care. Input of materials at total cost of 36,800 for 9,200 units. डायरेक्ट वेज इज इन कर्ड प्रोडक्शन ओवर इट्स यूनिट स्क्रैप दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट लाइन फॉर मी सुपर 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 इंपॉर्टेंट शायद तुम लोग आंसर कर पाओगे शायद टिल नाउ वट एवर यू एल है दिस चैप्टर सब याद करो और अब मैं तुमको पूछ रहा हूं कौन से कौन से यूनिट स्क्रैप होते हैं सोचना लॉस भी होता है एबनॉर्मल लॉस भी होता है रुको 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 तुम लोग नहीं लिखना विल मीन नॉर्मल लॉस लॉस प्लस जो बहुत लोग बोले अभी कोई इंटेलिजेंट और कोई आंसर बोल सकता है नॉर्मल लॉस माइनस नॉर्मल लॉस माइनस एबनॉर्मल गेन क्योंकि अगर कभी एबनॉर्मल गेन हुआ मतलब उतना नॉर्मल लॉस तो फिनिश गुड्स बन गया और समझो तो यूनिट स्क्रैप का मतलब इन दोनों में से एक हो सकता है अभी क्या होगा दैट इवन आई डोंट नो ओके लेकिन दोनों में से एक ही मतलब होना चाहिए ये चीज तुम लोग लिख के रख लो इधर अगर बुक है तो बना मेरे ख्याल से मैंने तो शॉर्ट्स के अंदर भी लिख के शायद रखा होगा यहां पे लिखा हुआ है वैसे तो यूनिट स्क्रैप इधर मींस नॉर्मल लॉस प्लस एबनॉर्मल लॉस और नॉर्मल लॉस लेस एबनॉर्मल के आगे द स्टेज ऑफ कंप्लीशन ऑफ दीज यूनिट्स वॉज मटीरियल 80 सॉरी मटीरियल हंड्रेड लेबर ओवरहेड ओवर तुमको समझ में आएगा यूनिट स्क्रैप का भी स्टेज ऑफ कंप्लीशन तो दिया हो सकता है ना जरूरी थोड़ी है कि प्रोडक्ट पूरा बनने के बाद स्क्रैप हुआ इनफैक्ट देर इज अ बिगर चांस कि जब मैन्युफैक्चरिंग हो रहा था बीच में ही प्रोडक्ट खराब हो गया तुमको समझा जो मैंने बोला अभी तुमको एक चीज समझ में आएगा तुम्हारे पहले तीन क्वेश्चन कितने फालतू क्वेश्चन थे तुमको अभी समझ में आएगा जरा याद करो वहां पर क्या होता था ना जो नॉर्मल कॉस्ट तुम्हारा फिनिश गुड्स के लिए होता था वही नॉर्मल कॉस्ट वही नॉर्मल कॉस्ट तुम्हारा एबनॉर्मल लॉस के लिए भी होता था yes, तुमको याद आता है इनफैक्ट मैंने तो तुम लोग को सेंटेंसेस भी सिखाए एबनॉर्मल लॉस इज ऑलवेज वैल्यूड एट तुम लोग बोलते थे तभी क्या बोलते any थे नॉर्मल कॉस्ट इन एनी केस फिनिश गुड्स को भी मतलब जो भी नेक्स्ट प्रोसेस को जाता था दैट पर्टिकुलर थिंग ऑल्सो इन दिस पर्टिकुलर केस वॉज वैल्यूड एट नॉर्मल कॉस्ट ठीक नाउ इन दिस पर्टिकुलर केस वो वाले क्वेश्चन जरा सोचो थोड़े से गलत हो गए क्यों वहां पर क्या होता है जो कॉस्ट प्रोडक्ट का है वही कॉस्ट एबनॉर्मल लॉस का भी है मतलब वहां पर एबनॉर्मल लॉस प्रोडक्ट बनने के बाद हुआ तुमको समझा जो मैं बोला दैट इज माई कॉस्ट फॉर सेम नो तो दैट इज माई कॉस्ट फॉर सेम बट इन रियलिटी तुमको यह भी समझ में आएगा जो भी तुम्हारा लॉस होएगा ना यूजुअली वो ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चर होएगा और अगर ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चर होएगा ना तो उसके ऊपर पूरा कॉस्ट अब तक नहीं चढ़ेगा समझ में आते हैं सो दीज क्वेश्चन आर फार बेटर देन दो क्वेश्चन वर नॉट फुल्ली करेक्ट क्वेश्चन लेकिन वो क्वेश्चन मैं इन बेसिस सिखा भी नहीं सकता था क्योंकि तब तक क्वेश्चन स्टेज ऑफ कंप्लीशन नहीं दिया जाता था ठीक है चलो अभी आगे स्टार्ट करें क्लोजिंग डब्ल्यू आईपी क्लोजिंग डब्ल्यू आई पी इन दिस पर्टिकुलर केस इज नाइन हंड्रेड यूनिट्स ठीक है स्टेज ऑफ कंप्लीशन ऑफ दीज यूनिट्स वॉज मटीरियल लेबर एंड ओवरहेड्स ओके 7,900 थाउजेंड नाइन हंड्रेड यूनिट वर कम्प्लीटेड एंड ट्रांसफर टू द नेक्स्ट प्रोसेस अभी तुम लोग ये जस नंबर नाइन थोड़ी देर में पढ़ने वाले हो और तब आपको एक क्वेश्चन पूछूंगा अभी नहीं नॉर्मल ऑफ टोटल इनपुट टोटल इनपुट बोले तो ओपनिंग स्टॉक प्लस यूनिट पुट इन ओपनिंग स्टॉक मैं ब्लू के अंदर हाईलाइट कर रहा हूं इधर है यूनिट्स के अंदर यूनिट्स पुट इन इधर है ठीक है इनपुट ऑफ मटीरियल ठीक है तुम लोग ये वाली चीज थोड़ी देर में सोचना और तुमको तब एक क्वेश्चन पूछेगा अभी तो नहीं पूछ रहा है स्क्रैप स्क्रैप वैल्यू वैल्यू ऑफ पर यूनिट यू आर रिक्वायर्ड टू शो द प्रोसेस एंड अदर फॉर द मंथ ऑफ फेब नाउ इफ यू विल नो दिस थिंग इन एडवांस बेटर वर चलेगा मेरे को एक्चुअली मेरे को बोलो इस क्वेश्चन के अंदर एबनॉर्मल लॉस आएगा कि एबनॉर्मल गेन आएगा ये एडजस्टमेंट नंबर नाइन आंखें खोल खोल के घूर घूर के पढ़ना एब नॉर्मल लॉस आएगा loss. मेरे को कहीं से पता चला देखो 800 यूनिट का ओपनिंग स्टॉक है 9200 यूनिट्स का फर्दर इनपुट है तो ये दोनों को टोटल मारेगा तो कितना आ जाएगा दस हजार दस हजार का नॉर्मल लॉसेस 8 परसेंट मतलब नॉर्मल लॉस कितना है 800 800 लेकिन यूनिट स्क्रैप कितना है 1200 200. 200. तो मेरे को बोलो 800 का नॉर्मल लॉस है लेकिन टोटली यूनिट स्क्रैप्ड 1200 है तो आपको 800 से 1200 तक पहुंचने के लिए ऐड करना पड़ेगा कि लेस करना पड़ेगा ऐड तो मतलब दिस इज अचुएशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस नो तो एबनॉर्मल लॉस कितने यूनिट्स का आएगा 400 अगर ये तुमको एडवांस के अंदर पता चलता है तो वेरी गुड वरना थोड़ी देर में जब अकाउंट बनाओगे ना तो वैसे भी क्रेडिट साइड पर आंखें खोल के देखोगे तो चार का एक बैलेंसिंग फिगर दिखेगा और अगर क्रेडिट साइड पे बैलेंसिंग फिगर दिखता है तो वो हमेशा क्या हो जाता है एबनॉर्मल एबनॉर्मल बोलो आगे लॉस ठीक है लेकिन अपने को शुरू में पता चलता है सो आई थिंक वी ऑल विल बी वेल प्रिपेयर फॉर इट ठीक है तो अभी मेरे को जरा बोलो मेरे को अभी सम स्टार्ट करने का है लेकिन सामने मेरे को बोला प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट्स एंड अदर अकाउंट्स आल्सो प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट्स एंड अदर अकाउंट्स अदर अकाउंट्स तो मैं क्या बोलता हूं प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट्स एंड अदर अकाउंट अदर अकाउंट्स के अंदर लेबर भी आएगा सॉरी 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 मैं क्या बोल रहा हूं अदर अकाउंट्स के अंदर नॉर्मल लॉस भी आएगा एबनॉर्मल लॉस भी आएगा अभी एबनॉर्मल लॉस आएगा दैट वी ऑल आर वेल प्रिपेयर ठीक है अच्छा मेरे को तुम लोगों से एक क्वेश्चन पूछने का था वो अभी पूछ लेता हूं कोई भी दो एक्सपेंसेस का स्टेज ऑफ कंप्लीशन हर जगह पर सेम है क्या थी थी। किसका है बेटा लेबर एंड का तो हम लोग उसका एक सिंगल कॉलम बना लेंगे अपना काम हो जाएगा इज दैट ओके ठीक है अभी तुम लोग क्या करने वाले हो मेरी बात सुनना जितना मैं बोलूं उतना काम जो है तुम लोग स्टार्ट करना उससे ज्यादा कुछ मत करना ये फर्स्ट क्वेश्चन है जहां पर ऑल दीज पर्टिकुलर थिंग्स हैव कम एक तुम्हारा प्रोसेस वन अकाउंट हमेशा की तरह एट लाइंस उसके बाद नॉर्मल लॉस अकाउंट हमेशा की तरह फोर लाइन उसके बाद एबनॉर्मल लॉस अकाउंट हमेशा की तरह फोर लाइन ठीक है एक बार वो हो जाएगा उसके बाद ना अपना ये वाली जो चीजें हैं ये प्रिपेयर करके रखना ठीक है लेकिन जब ये प्रिपेयर करते हो यहां पर हम लोग एक काम वो कर ही लेंगे यहां पर शायद मेरा एक कॉलम का काम वो बच जाएगा तो मैं यहां पर जो है आ, टोटल वाला जो कॉलम है दैट आई विल बी शिफ्टिंग ओवर हियर क्योंकि मटेरियल का एक कॉलम बन जाएगा और लेबर और ओवरहेड्स का एक कॉलम बन जाएगा ठीक है तुम लोग ये वाला जो चीज है बनाना स्टार्ट करो तो आठ लाइन का वो और बाकी तुम्हारा ये वाली चीजें ठीक है, है ये वाले अकाउंट्स बनाओ उसके बाद स्टार्ट करते हैं प्रोसेस वन अकाउंट एट लाइंस, नॉर्मल लॉस एब, नॉर्मल लॉस फॉर फोर फोर लाइंस और उसके बाद ये दोनों चीजें जो स्क्रीन के ऊपर है यहां पे मटेरियल एंड फैक्ट्री ओवर ये वाला काम करो विल जस्ट बी बैक ठीक है ये अकाउंट जरा बनाओ प्लीज फटाफट चलो सुनो हो गया सबका yes, तो वी ऑल आर नाउ प्रोसीडिंग ओके सुनो मेरे साथ एक एक वर्ड करना क्योंकि फ्यू क्वेश्चन एटलीस्ट ये जो बिगिनर्स क्वेश्चन है यू विल रिक्वायर माय हेल्प एज सच ओके तो सबसे पहले स्टेज ऑफ कंप्लीशन हम लोग तब तक बात ही नहीं करेंगे जब तक हम लोग स्टेटमेंट ऑफ इक्वालेंट आउटपुट तक पहुंच नहीं जाते ठीक है वो उसके बाद बात कर लेंगे अभी जो है लेट स्टार्ट अवे विद डेटा जो सम्स के अंदर आना है तो सबसे पहले 800 हंड्रेड यूनिट्स एट टोटल कॉस्ट ऑफ फोर थाउजेंड ये ओपनिंग डब्ल्यू आईपी है तो यहां पर लिखना टू ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग डब्ल्यू आईपी भी कभी लिखा तो भी चलेगा दैट्स फाइन तो एट हंड्रेड यूनिट्स एट कॉस्ट ऑफ फोर थाउजेंड ठीक है आगे दिस थिंग करंटली आई डोंट रिक्वायर भूल जाओ इनपुट ऑफ मटीरियल्स एट टोटल कॉस्ट ऑफ थर्टी सिक्स एट हंड्रेड फॉर नाइन थाउजेंड टू हंड्रेड यूनिट्स यहां पर लिखना टू मटीरियल नाइन थाउजेंड टू हंड्रेड थर्टी सिक्स एट हंड्रेड ठीक है आगे उसके बाद टू डायरेक्ट वेजेस प्रोडक्शन ओवर तो लिखो टू वेजेस या डायरेक्ट वेजेस आपको जो भी वर्ड लिखने का मन हो सिक्सटीन सेवन फोर्टी उसके बाद टू फैक्ट्री ओवर एज एट थ्री सेवन जीरो तो अपना डेबिट साइड वाला जो चीजें हैं काफी हद तक हो गया यहां पे लिखना बाय नॉर्मल लॉस प्लीज यूनिट्स स्क्रैप इज नॉट नॉर्मल लॉस इट इज नॉर्मल लॉस प्लस एबनॉर्मल लॉस और नॉर्मल लॉस लेस एब नॉर्मल गेन अपने को तो पता चल चुका है कि क्या है इन एनी केस आपको नॉर्मल कॉस्ट का कैलकुलेशन दिखाना पड़ेगा इट इज एट परसेंट ऑफ यूनिट्स इन यूनिट्स इन ओपनिंग डब्ल्यू आई पी प्लस यूनिट्स इनपुट तो ये आ जाएगा 800 चलो सब लोगों ने सब लेक्चर्स अटेंड किए जरा बोलो नॉर्मल लॉस इज ऑलवेज वैल्यू डेट स्क्रैप वैल्यू तो स्क्रैप वैल्यू इस क्वेश्चन के अंदर कितने रुपीज का था बेटा फोर तो यहां पे आ जाएगा थ्री थाउजेंड टू हंड्रेड अच्छा प्रोसेस वन से प्लीज क्रेडिट साइड पे ना पहली एंट्री हमेशा मेरे को नॉर्मल लॉस की चाहिए जो हम लोग फर्स्ट थ्री क्वेश्चंस के ना करते थे ठीक है हमेशा हमेशा चाहे जो मर्जी हो जाए उसके बाद यहां पे लिखना बाय प्रोसेस टू पॉइंट नंबर एट जरा देखो सेवन थाउजेंड नाइन हंड्रेड यूनिट्स वर कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर टू द नेक्स्ट प्रोसेस ठीक है तो सेवन आगे एडजस्टमेंट नंबर सेवन देखो क्लोजिंग डब्ल्यू आईपी वॉज नाइन हंड्रेड क्लोजिंग डब्लू को ना लास्ट आइटम के तौर पर लिखा करो बाई क्लोजिंग स्टॉक सुनो तुम लोग ना क्वांटिटी का कॉलम जरा बैलेंस करो और देखो बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड पर ही आएगा और वो 400 का ही आएगा ऑल दो चार तो अपने को शुरू से पता था वो देख लो एक बार जरा गया yes, तो यहां पर चलो वी ऑल न्यू राइट इन एडवांस होनी एबनॉर्मल लॉस चार सौ बैलेंसिंग फिगर बोल लो अक्कल यूज किया वो बोल लो जो बोलो चलो सर मैं कई ना बेसिक चीजें दैट यू ऑल नो मैं खत्म कर रहा हूं ऑल मेरे को ये तीन अमाउंट्स नहीं मालूम लेकिन कई चीजें मैं खत्म अब कर रहा हूं क्योंकि टू सिंपल यार तो यहां पर एंट्री मार जरा टू प्रोसेस वन अकाउंट आप लोगों ने क्वांटिटी और अमाउंट दोनों का कॉलम बनाया मेरे ख्याल से नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस अकाउंट में ठीक है तो प्रोसेस वन आठ सो तीन हजार दो सो यहां पर मेरे को बोलो जब ही नॉर्मल लॉस आता है और साथ में अब नॉर्मल लॉस आता है तो मैं क्रेडिट साइड पे क्या करूं वो बोल दो बाय कैश बैंक तो एक लाइन का ही अकाउंट रहता है तो टाइम पास ही रहता है टाइम पास जल्दी से खत्म कर दो आगे यहां पे भी आ जाएगा टू प्रोसेस वन चार सो ये वाला अमाउंट अभी नहीं मालूम ये तो अपने को बाद में पता चलेगा अभी नहीं मालूम अपने को क्रेडिट साइड पर मेरे को बोलो क्रेडिट साइड पे क्या करते थे भाई कैश बैंक लो तो 400 यूनिट हम लोग किसको बेचेगा वो रद्दी वाले को या भंगार वाले को ऑब्वियसली एट व्हाट रेट वो भी वो भी बताओ फोर रुपीज ना स्क्रैप के ऊपर सोलह सौ सो रुपया और बाकी यहां पर बाद में एक बैलेंसिंग फिगर आएगा जो कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट को चला जाएगा चलिए सुनिए वाला जो अपना काम है यह हो गया ठीक है ये वाला जो काम है यह हो गया अपना अपना सम तब खत्म होगा जब तुमको ये तीन वैल्यूज मिल जाएंगी इससे पहले वाले क्वेश्चन के अंदर अपने को दो वैल्यूज मिलती थी अपना सम खत्म हो जाता था एक था जो नेक्स्ट प्रोसेस को जाता था और एक था क्लोजिंग स्टॉक लेकिन ऑब्वियसली अभी नॉर्मल लॉस भी तो है लेकिन याद रखना नॉर्मल लॉस की वैल्यू मेरे को नहीं चाहिए बिकॉज नॉर्मल लॉस इज ऑलवेज वैल्यूड एट स्क्रैप वैल्यू तो उसकी वैल्यू तो है ना मेरे पास ठीक है तो एक छोटा सा चीज ताकि यू ऑल कैन थिंक बिट इन एडवांस जब मैं एंड के अंदर टोटल कॉस्ट निकालेगा ना टोटल कॉस्ट टोटल कॉस्ट तो मैं तीन चीजों का टोटल कॉस्ट निकालेगा एक टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स कंप्लीटेड आगे बोलो तुम लोग लिखो मत बस बोलो एक यहां पे एबनॉर्मल लॉस और लास्ट चीज जरा बोलो क्लोजिंग स्टॉक ओके सुनो अभी ना एक वर्ड मैं यूज कर भी सकता हूं इग्नोर भी कर सकता हूं आज तक बोलता था लेट्स फाइंड आउट नॉर्मल कॉस्ट बेटा जो तुम्हारा नॉर्मल कॉस्ट है ना ये वही वाली चीज है यार ये वही चीज है बिल्कुल ठीक है इट्स ओनली दैट अभी मैं ट्राई कर रहा हूं ताकि तुम लोग को समझ में आ जाए जो पहले वाले तीन क्वेश्चन थे ना उधर स्टेज ऑफ कंप्लीशन नहीं होता था क्योंकि उधर डब्ल्यू स्टॉक्स नहीं होते थे ठीक है तो उधर जितना आउटपुट मटेरियल के रेफरेंस के अंदर आया था उतना ही आउटपुट लेबर के रेफरेंस के अंदर भी आया था उतना ही आउटपुट ओवरहेड्स के रेफरेंस सपोज खुद ब खुद जरा सोचो ना एक बार अगर मैं तुम लोगों को पिछला वाला क्वेश्चन दिखाऊं पिछला वाला पिछला वाला पिछला वाला अगर ओपनिंग और क्लोजिंग है ही नहीं कैन बी से ओनली दिस पर्टिकुलर थिंग देर एंड दिस इज हंड्रेड परसेंट अक्रॉस तो yes, तभी तो ना मेरे को कैलकुलेशन अलग अलग नहीं करनी पड़ती थी ये जब से स्टेज ऑफ कंप्लीशन आना स्टार्ट हो जाता है ना तो मेरे को ये वाला जो कॉस्ट है एक्चुअली ये नॉर्मल कॉस्ट ही है बस हम लोग अभी इसको कॉस्ट बोल देते हैं जैसे लाइक यू नो इन दर्स्ट लेक्चर आई वॉज ट्राइंग टू टेल यू एव नॉर्मल लॉस इज वैल्यूड एड कॉस्ट और शायद याद होगा किसी ने मेरे को पूछा भी था सर कॉस्ट मतलब नॉर्मल कॉस्ट 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 आई आई टू टू बी सेइंग यस ओके बस दैट दैट टाइम वांटेड वांटेड यू ऑल राइट डाउन नॉर्मल वरना वो वाला और ये वाला कॉस्ट बिल्कुल सेम ही चीज है बस उन क्वेश्चन के अंदर स्टेज ऑफ कंप्लीशन नहीं होता था क्योंकि डब्ल्यू स्टॉक नहीं होते थे इन क्वेश्चन के अंदर है और कोई फर्क नहीं है ठीक है तो अभी स्टार्ट कर लेते हैं सुनो तो जब यहां पर आएंगे ना तब एबनॉर्मल लॉस का भी कॉस्ट निकालेंगे और क्लोजिंग स्टॉक का भी कॉस्ट निकालेंगे ठीक है जब वहां पर आएंगे तो चलो तुम्हारे प्रोसेस अकाउंट से बन गए अभी स्टेटमेंट ऑफ इक्वालेंट आउटपुट अभी याद रखना अगर टैटू बनवाने का है तो बनवा लो स्टेटमेंट ऑफ इक्वालेंट आउटपुट स्टार्ट करने से पहले हमेशा सोचने का सर विच मेथड विच मेथड विच मेथड अगर सबने कुछ नहीं बोला बाई डिफॉल्ट यू फॉलो विच मैथड फीफो वैसे भी अभी तक बाकी मैथड्स तो आता ही नहीं अभी तक ओके okay, तो इन एनी केस तुम लोग से वही आंसर बोल सकते हो ठीक है कुछ नहीं बोला ऑलवेज फॉलो फीफो मेथड ठीक है जब बाकी मैथड्स आएंगे तभी देख लेंगे अच्छा सुनो विदाउट इवन दिस मेथड ऑल्सो आई विल राइट डाउन ओके यू डोंट कट प्लीज बट विदाउट राइटिंग दिस ऑल्सो एक छोटा सा चीज जरा याद रखना बराबर से याद रखना प्लीज बराबर से बिकॉज एवरी बुक अगेन इन दिस वर्ल्ड इज साइलेंट ऑन दिस तुम लोग कोई प्रोफेसर को भी अगर कभी और कोई प्रोफेसर कभी मिला उसको कभी पूछोगे ना वो तुमको इसका रीजन जिंदगी में नहीं दे पाएगा हिज लाइफ विल पास ही विल नॉट बी एबल टू टेल यू द रीजन ऑल्सो सुनो विदाउट एनी मेथड ऑल्सो हमेशा ये वाली चीज जरा याद रखना नॉर्मल लॉस इज ऑलवेज आउट ऑफ करंट इनपुट इसके लिए मेरे को कोई मेथड नहीं चाहिए क्योंकि ना there is a implied thing that we all think and what is that implied thing hum log hamesha bolta hai aisa hi hota hai kaisa hota hai ki jab production start hota hai na tabhi normal losses aur abnormal losses almost ho jate hain the that is our implied thinking and nobody can change that thought tumko samajh mein aayega in reality jab hi loss hoga ना loss is not a living object कि मैं वो गुड्स को पूछूं भाई तो किसके अंदर से है एग्जाम्पल मैं ये 800 यूनिट को कैसे पूछूं तो किसके अंदर से हुआ ऐसा तो पूछ नहीं सकता ना उसको ओके okay. ये 400 यूनिट का जो लॉस हुआ उसको कैसे पूछूं तो किसके अंदर से है सो दे इज अ डिफॉल्ट थिंग दैट एवरीबडी एज थॉट एंड नो बडी नोज अ रीजन सब लोग वो करते हैं एंड वट इज दैट डिफॉल्ट थिंग यू ऑलवेज थिंक दैट ऑल लॉसेज हैपन वेन एवर द प्रोडक्शन इज स्टार्टेड तो ये वाला 800 यूनिट मेरे को जरा बोलो कभी स्टार्ट हुआ था तो उसके अंदर लॉसेस हो गए होंगे ये 800 वो लॉसेस के बाद है ये जो इस पीरियड के अंदर लॉसेस वो हुए ना ये जो इस पीरियड के अंदर ये जो लॉसेस हुए ये भी और ये भी बोथ ऑफ देम आर डीम्ड टू बी आउट ऑफ करंट इनपुट होमी इसके लिए कोई मेथड अप्लाई नहीं होता ठीक है तुम लोग 400 और 800 को पहले 9200 का पार्ट मान लो उसके बाद आगे फिफो मेथड स्टार्ट करना दीज आर इंप्लाइड थॉट्स द बैड पार्ट इज नॉट इवन द लंदन बुक्स आल्सो जो सीआई में इंस्टीट्यूट है जब वो लोग इसको तो वो सिखाते हैं ये उनके वैसे फाउंडेशन लेवल के अंदर आता है ओके okay? लेकिन ओवर देयर आल्सो नो दे डोंट ट्राई टू बी सेइंग दैट व्हाई दीज टू आर ऑलवेज ट्रीटेड आउट ऑफ दीज ओनली ओके ट इज बिकॉज इज अम्प्लाइड थिंग दैट यू ऑल यार लॉसेज तब होते हैं जब प्रोडक्शन स्टार्ट होता है तो ये वाले लॉसेज तब हुए रहेंगे जब अपना प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ था ठीक है चलो दिस वर्क इज डन पहले ना तुम लोग ये दोनों बाइफर्केशन करो उसके बाद की बात उसके बाद करता हूं ठीक है अभी सुनो ये करने के बाद ना ये इधर खत्म हो गया ठीक है ये इधर खत्म हो गया अभी उसके बाद जो तुम लोगों ने फीफो मेथड लिखा था मैं उसको इंप्लीमेंट कर रहा हूं ये दोनों करने के बाद मैं फीफो में फीफो मेथड इंप्लीमेंट करता हूं और मैं फीफो मेथड के अंदर क्या सोचने वाला हूं जो पहले स्टार्ट हुआ वो पहले खत्म हुआ तो मेरे को जरा बोलो किसको ब्रेकअप करूं अभी वो बोलो सेवन थाउजेंड नाइन हंड्रेड का एक पार्ट विल बी ओपनिंग स्टॉक नो ओके okay, आठ 800 तो इधर चला गया ये चार तो इधर चला गया और अभी उसके बाद फीफो मेथड फॉलो कर रहा है तो मैं वही सोचेगा ना यार जो पहले स्टार्ट हुआ वो पहले खत्म हुआ ठीक है सो so 800 है ये वाला 800 इधर है ठीक है और अभी बैलेंसिंग फिगर इधर बेटा वो कितना आ गया बोलो 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 सेवन वन जीरो जीरो मेरे को बोलो अभी सेवन वन जीरो जीरो किधर घुसा बेटा 9200 टू जीरो जीरो का तीसरा पार्ट अभी मैं कितने कलर्स यूज कर लू मेरे पास एक ही कलर बचा है चलो मेरा काम भी वो एक ही पड़ा है तुमको समझ में आएगा नौ हजार दो सौ अभी तक टैली नहीं हुआ उसका एक पार्ट बच गया बोलो कौन सा क्लोजिंग स्टॉक ऑब्वियसली कितना यार नाइन हंड्रेड नौ नौ चलो सुनो अभी ना बराबर से सुनना ये तुम्हारा पहला क्वेश्चन है सो आई वांट यू ऑल टू बी सुपर केयरफुल ओके सुपर 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 केयरफुल सुनो स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिट आउटपुट मेरे को बोलो पहला स्टेटमेंट क्या आएगा बोलो 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 ओपनिंग स्टॉक प्रोसेस फर्दर एंड कंप्लीटेड ठीक है चलो लिखो फिर आगे मत जाना जो मैं लिखता है उतना ही लिखने का ओपनिंग स्टॉक प्रोसेस्ड फर्दर opening stock process further and completed अच्छा अ uh, obviously कितने यूनिट्स थे 800 हम लोग ना साथ-साथ में दिस चीज ऑफ कंप्लीशन भी खत्म कर रहे हैं अच्छा ओपनिंग स्टॉक का स्टेज ऑफ कंप्लीशन हंड्रेड और सिक्सटी परसेंट था मेरे को बोलो इस पीरियड के ना कितना परसेंट मटेरियल ऐड हुआ बेटा जीरो और उसके बाद फोर्टी परसेंट थ्री ट्वेंटी ऑनेस्टली तुमको वो बोलता हूं यू माइट हैव डन अदर सब्जेक्ट्स आल्सो कॉस्टिंग और एफएम से ज्यादा प्रैक्टिकल तुम्हारे पोर्शन के अंदर शायद सिर्फ टैक्सी है मतलब विच सी इन रियल लाइफ हेल 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 लॉट ओके तो इसलिए ऑल दी जरा बोलो तुम्हारे हिसाब से चीज मेरे को क्या लिखना चाहिए यूनिट्स के साथ बोलना स्टार्टेड एंड फिनिश नो मैं पिंक वाला आइटम लिखता हूं पहले मैं पिंक वाला आइटम लिखता हूं ताकि इट इज बिट सिमिलर टू येस्टर्डेज जॉब तो मैं यहां पे सात हजार एक सौ यूनिट लिखेगा और यहां पर ऑब्वियसली क्या डाल देगा स्टार्टेड एंड फिनिश्ड 7100 वन हंड्रेड मेरे को बोलो परसेंटेज क्या लिखूं हंड्रेड परसेंट हंड्रेड परसेंट चलो सुनो एक लाइन छोड़ना एक लाइन छोड़ना सब लोग और फिर लिखना स्टार्टेड एंड नॉट फिनिश्ड ऑब्वियसली व्हेन आई से स्टार्टेड एंड नॉट फिनिश्ड मतलब आई एम एड्रेसिंग व्हाट क्लोजिंग स्टॉक नौ सौ यूनिट अच्छा इधर हंड्रेड परसेंट और सेवेंटी परसेंट है तो मैं जीरो और थर्टी परसेंट फिर लिखू हंड्रेड परसेंट एंड सेवेंटी नौ सौ छह सौ तीस आगे 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 सुनो देखो एक चीज आई कैन टेल यू बाई मेनी 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 वेस तुमको बाद में एबनॉर्मल लॉस का भी तो कॉस्ट निकालना है बेटा उसका कॉस्ट तभी आएगा जब यहां पर उसको इंक्लूड करोगे ऑब्वियस बात है वरना उसका कॉस्ट कैसे आएगा ठीक है खुद ब खुद जरा सोचो एबनॉर्मल लॉस इज वैल्यूड एट कॉस्ट देखो एक लाइन बोलता हूं जिसके ऊपर मैंने शुरू वाले लेक्चर्स के ना बहुत एम्फोसाइज किया था एबनॉर्मल लॉस वो वाले गुड्स होते हैं जो हमारी गलती की वजह से खराब हुए जो हमारी गलती की वो हमारी गलती है अगर हमारी गलती है वी शुड रिमूव इट ओके तो हम लोग उसका जो कॉस्ट है ना यहां से निकाल के स्क्रैप एडजस्ट करके कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर ले जाते हैं मेरे को जरा बोलो ये 400 यूनिट जो है वर्दी स्टार्टेड इन दिस पीरियड सोच के बोलना यस yeah. yes yes ना बेटा 400 इसी का पार्ट है ना यार 400 इसी का पार्ट है ना ओके सो ऑब्वियसली इन दिस पर्टिकुलर केस एबनॉर्मल लॉस आर गुड्स ध्यान से जरा सुनना जो मैंने स्टार्ट तो इसी पीरियड के अंदर किए उसके ऊपर काम कर रहा था काम कर रहा था बीच में खराब हो गया तो रद्दी वाले को बुला के बेच डाल ठीक तुमको एक और चीज समझ में आएगा ये जो यूनिट स्क्रैप्ड है ना बारह सो है एंड दिस इज स्टेज ऑफ कंप्लीशन ऑफ मटीरियल लेबर एन ओवर मतलब दिस इज स्टेज ऑफ कंप्लीशन ऑफ दोड यूनिट ऑल्सो एंड ऑफ दंड्रेड यूनिट ऑल्सो इज दिस अंडरस्टूड लेकिन याद रखना मेरे को ये जो आठ सौ यूनिट्स वाला चीज है ना नॉर्मल लॉस वाला मेरे को इसके स्टेज ऑफ कंप्लीशन के अंदर रद्दी भर भी कोई इंटरेस्ट कभी होता ही नहीं क्यों क्यों नहीं होता फ्यूचर तो के अंदर भी कभी भी स्टेज ऑफ कंप्लीशन दिया रहेगा ना दैट डेटा इज यूजलेस टू यू दैट इज कंप्लीटली यूजलेस क्योंकि नॉर्मल लॉस का कॉज नहीं निकालना है तो मेरे को स्टेज ऑफ कंप्लीशन की कोई जरूरत भी नहीं है लेकिन मेरे को एबनॉर्मल लॉस के स्टेज ऑफ कंप्लीशन की जरूरत है ठीक है तो एबनॉर्मल लॉस तुम लोग डायरेक्टली यहां पर भी लिखोगे एबनॉर्मल लॉस तो भी चल जाएगा वो जो एक लाइन छोड़ा है उधर यहां पर वो उधर वो लिख देना एबनॉर्मल लॉस बैक ऑफ द माइंड याद रखना अच्छा अभी तुम्हारा टैलेंट ठीक है मेरे को अभी अभी पता चल जाएगा एबनॉर्मल लॉस के 400 यूनिट है मेरे को जरा बोलो यहां पर ये जो यूनिट स्क्रैप हुए ना उसका स्टेज ऑफ कंप्लीशन जो है हंड्रेड और एट्टी है मेरे को जरा बोलो मतलब ये जो गुड्स चार सौ अपने खराब हुए इस पीरियड के अंदर उसके ना मटीरियल और और मटीरियल एंड लेबर एंड ओवर कितने परसेंट का चढ़ा हंड्रेड परसेंट एंड एट्टी परसेंट ओके मेरे को जरा बोलो ऐसा क्यों हुआ क्योंकि दीज गुड्स वर्ष स्टार्टेड ओनली इन दिस पर्टिकुलर पीरियड कोई भी चीज स्टार्ट होती है किधर से जीरो से तो कुछ ऐसा हुआ मैंने 400 सौ यूनिट के ऊपर काम करना स्टार्ट किया पूरा मटेरियल डाल दिया लेबर एन ओवर डाल दिया बीच में गुड्स खराब हो गए तो रद्दी वाले को बुलाकर मैंने बीच डाला ठीक है अभी जो भी है वो गुड्स जो मेरे खराब हुए ठीक है मेरे को उसका कॉस्ट तो निकालना पड़ेगा ना yes sir, yes sir. मेरे को उसका कॉस्ट इसलिए निकालना पड़ेगा क्योंकि वो एबनॉर्मल लॉस है अगर वो नॉर्मल लॉस होता तो मैं उसका कॉस्ट भी नहीं निकालता मैं उसको स्क्रैप वैल्यू के ऊपर वैल्यू करके भूल जाता अरे अंडरस्टूड दिस तो यहां पर अभी आप लोग जरा लिखो दिस इज हंड्रेड परसेंट एंड दिस इज एटी परसेंट दिस इज फोर हंड्रेड थ्री ट्वेंटी चलो बस टोटल मार लो काम हो गया अपना सेवन वन जीरो जीरो प्लस फोर हंड्रेड प्लस नाइन हंड्रेड ये एट थ्री सेवन जीरो आता है कोई बोला नहीं मतलब करेक्ट ही चलो ठीक है सुनो अभी इन क्वेश्चंस के अंदर ना तुमको सरप्राइजेस बहुत ज्यादा मिलेंगे ठीक है बहुत ज्यादा आगे चलते हैं तुमको हर जगह पे कुछ ना कुछ सरप्राइज तो मिलेगा अभी देखो रोमन नंबर टू कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट मटेरियल लेबर एंड ओवर आगे मत जाना तुम्हारा रॉयल पोपट होगा चलो सुनो अभी इस पीरियड का एक मिनट ये सब कुछ मैं रब कर देता हूं सुनो मेरा इस पीरियड का मटेरियल कॉस्ट का खर्चा थर्टी सिक्स एट हंड्रेड था जो आपके अकाउंट में भी है लिखो थर्टी सिक्स एट हंड्रेड और लेबर और ओवर का खर्चा सिक्सटीन सेवन फोर्टी प्लस एट थ्री सेवन जीरो अच्छा अभी आगे कुछ नहीं लिखना सुनो 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 ये चीज मत लिखना जो मैं अब लिखने जा रहा हूं रेड के अंदर बिल्कुल भी नहीं लिखना अगर मैं ऐसा करेगा ना ठीक है और उसके बाद आंसर निकालेगा तो गलत हो जाएगा बोधे सर आज तक तो वही किया लेकिन ये आज तक नहीं है ना क्योंकि अपने को एक चीज लेस करने का है किसी बच्चे ने बोल दिया क्या लेस करने का है स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस नो मेरे को तीन हजार दो सो किधर ना किधर से लेस करना पड़ेगा ना अच्छा और अब जरा याद करो तुमको याद आएगा दैट आई एम टेलिंग यू जब तुम लोग पहला तीन क्वेश्चन किया तुम लोग नॉर्मल कॉस्ट निकाला जब उन क्वेश्चन कॉस्ट निकाला ना तभी बहुत सिंपल था तुम लोग क्या कर लेते थे डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स लेस स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस ओके डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड आउटपुट तब तुम लोग क्या कर लेते थे सारे के सारे कॉस्ट टोटल अप मार के एक ही बारी में लेस कर लेते थे ठीक है क्योंकि उन क्वेश्चन के अंदर डब्ल्यू स्टॉक नहीं था तो आपको कॉस्ट अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं पड़ती थी तुमको ये लाइन समझा जो मैंने बोला लेकिन अभी मटेरियल का स्टेज ऑफ कंप्लीशन अलग है लेबर और ओवरहेड का स्टेज ऑफ कंप्लीशन अलग है तो अभी एक चीज का सॉलिड दिक्कत है कि यार जो मेरे को स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस ये वाला फिगर ये जो 3,200 अपने को दिख रहा है ये किधर से लेस करू मैं तुमको तीन ऑप्शन देता है चलो चार ऑप्शन देता है सर मटेरियल से लेस होएगा आप क्या बात करते हो सर सेकंड सर गलत बात करते हो लेबर और ओवरहेड्स के अंदर से डिडक्ट होएगा थर्ड नहीं सर थोड़ा इधर से थोड़ा इधर से ठीक है चौथा सर मेरे दिमाग में कुछ और आइडियाज़ फूट रहे हैं लेकिन मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता मेरे को चारों में से एक आंसर दो अगर कोई भी बंदा मेरे को थर्ड बोलता है मेरे को चलेगा फिर मेरे को बोलना तीन हजार दो सौ के अंदर से इधर कितना लेस करूं और इधर कितना लेस करूं मेरे को वो भी बोलना ओके okay. सब लोग एक एक बार तो अपना आंसर दो वन टू थ्री चौथा तो मैंने टाइम पास के लिए वो कर दिया था बिकॉज ये माय मॉम बॉस सिंह तो कौन बनेगा करोड़पति इसके लिए वन टू के थ्री थ्री अच्छा कोई और तो टू बोलो एक बार किसी ने वन तो बोल दिया चलो अच्छा याद रखना स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल हो तुम लोग बात बहुत कम करते हो पता नहीं तो मेरे को ऐसा क्यों लगता है तुम लोग क्लास में होते हो तुमको ब्रेक देता तो सब लोग बात करता है मैं क्वेश्चन पूछता तो कोई बात नहीं करता है लास्ट टाइम बोलो ना सब लोग किधर से लेस होएगा थर्ड ऑब्वियसली नॉट सुनो हमेशा इधर से लेस होएगा कोई बोलते है सर क्यों एक नॉर्मल चीज बोलता है अपने हिसाब से वो आंसर देना सोच समझ के तुम लोग सीए बन जाओगे ठीक है फिर उसके बाद जो तुम्हारी फाउंडेशन की बुक्स हैं इंटर की बुक्स हैं और फाइनल की बुक्स हैं तुमको कुछ काम में नहीं आएंगी शायद कॉस्टिंग और एफएम की बुक्स वो आ जाए ओके इन प्रैक्टिकल लाइफ बाकी बुक्स तो कुछ काम में नहीं आएंगी ठीक है तुम लोग एक रद्दी वाले को बुलाओगे तुम लोग उसको बेच दोगे बुक्स करेक्ट ना तुम लोगों ने बुक्स अपनी क्लासेस से लिया था मटीरियल उसके अंदर बहुत सारा नोट्स वगैरह बनाया यू वर अ वर्कर ओके तुम्हारा और भी खर्चा शायद बुक्स को रखने के लिए वो हुआ रहेगा दैट आई एम नॉट अवेयर तुम लोग जब रद्दी वाले को बुक्स बेचोगे वो लोग तुमको पैसा देगा वो तुमको पैसा तुम्हारे नोट्स के लिए दे रहा है क्या वो तुमको पैसा तेरे नोट्स के लिए दे रहा है क्या तेरी सेक्सी राइटिंग है क्या उसके लिए तेरे को पैसा दे रहा है नौौौ। नौौौ। वो तेरे को पैसा क्यों देता है पेपर के लिए ना पेपर के लिए ना इट इज अ कॉमन सेंस थिंग नो वेन एवर यू सेल स्क्रैप यू गेट स्क्रैप फॉर मटीरियल नो इन दैट ओके कुछ और बोलता हूं चलो कुछ और बोलता हूं हम लोग शर्ट्स बनाता है ठीक है हम लोग कपड़े को आगे प्रोसेस कर रहे थे वर्कर किसी के सपनों के अंदर था शर्ट बन रही थी उसने बीच से काट दी तो सलमान खान की शर्ट बन गई ठीक है अभी सलमान खान को तो बेच नहीं सकते तो रद्दी वाले को बुलाया उसको बेच दिया क्या उसको शर्ट पहनने का है नहीं, नहीं। वो तुमसे क्यों खरीदेगा बिकॉज ऑफ कपड़ा नो तो कॉमन सेंस चीज है बेटा यू गेट स्क्रैप फॉर सेलिंग समथिंग लाइक मटीरियल वो तुमको मटीरियल के लिए अभी तुमको एक रियल लाइफ का एग्जाम्पल देता है अभी वी हैड वन वेरी ओल्ड कार माई ग्रेट ग्रैंड फादर हैड परचेज सो आर ग्रेट ग्रांड फादर यूज टू बी स्टेग इन पाकिस्तान देन आफ्टर दी पार्टीशन वी शिफ्ट टू दिस साइड ऑफ पंजाब ओके वो कार इंडिया की फर्स्ट कार थी मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं ऐसा कुछ था नहीं मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ ओके okay. तो इन दिस केस वो जो कार है वो पुश्तैनी कार है ठीक है वो चलती गई वो चलती गई वो चलती गई तो मेरे तक पहुंची अभी वो कार भी नहीं है एक्चुअली दिखती कार है ओके लेकिन वो कार भी नहीं है वो चलती फिरती भी नहीं है अभी तो ओके बस गैरेज में पड़ी हुई थी अभी बॉम्बे के अंदर पार्किंग इज मोर एक्सपेंसिव देन कार ऑलसो यार ओके तो मैंने रद्दी वाले को बुलाया मैंने बोला ये लेके जा बोलता साहब ये क्या है मैंने बोला मेरे हिसाब से तो कार है बोलता सब साहब अब रुक जाओ मैं तोलने वाली मशीन वो लाता हूं ओके उसने कार को तोला ओके वो 400 किलो की थी बोलता सर 400 किलो के हिसाब से दस रुपए पर किलो मैं आपको वो दे रहा हूं ही इज बाइंग कार क्योंकि उसको कार वो चलाने का है मेरे को सच्ची बोलना hey, no. नहीं ही इज बाइंग इट एज स्क्रैप मतलब ही इज बाइंग इट फॉर मटीरियल नो विच इज देयर ठीक है सो एनी बडी हु पेज यू दे पे यू फॉर मटीरियल बस ये वाला चीज याद रखना तो थ्री थाउजेंड टू हंड्रेड इधर लिखो और अभी अपना नॉर्मल कॉस्ट निकालो लिखो 4. So no. अभी सब लोग एक मिनट के लिए वेट करेगा वेन आई टेल यू यू ऑल प्लीज स्टार्ट एंड फिनिश टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स कंप्लीटेड मतलब को बोलो मेरे को यहां पर अपना अकाउंट के सब लोग बोलो मेरे को कितने यूनिट्स का कॉस्ट चाहिए सेवन थाउजेंड नाइन हंड्रेड उसके अंदर आठ सौ यूनिट का ओपनिंग स्टॉक है जैसे हम लोगों ने कल किया था बेटा वो सेम ही चीज है मटीरियल लेबर एंड ओवर है ठीक है इधर एक टोटल वगैरह आ जाएगा उसके बाद यहां पर क्या कर लेगा स्टार्टेड एंड फिनिश ठीक है स्टार्टेड एंड फिनिश देखो अगर मैं ये लिखेगा तुम लोग को डायरेक्टली समझ में आ जाएगा सेवन थाउजेंड वन हंड्रेड इंटू सेवन सब लोग को समझ में आ गया ठीक है सुनो एक बार ये वाला काम कर लेगा योर दिस पर्टिकुलर पार्ट इज डन एक बार ये वाला काम हो जाएगा ऑब्वियसली इन दिस केस आप लोगों को एबनॉर्मल लॉस का भी कॉस्ट तो निकालना है यहां पर भी दो ही चीजें आ जाएंगी एक मटीरियल और उसके बाद लेबर एंड ओवरहेड्स एक बार ये वाला भी काम तुम्हारा हो जाएगा फिर उसके बाद तुम्हारा लास्ट काम जो इधर है दैट विल बी नथिंग बट क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक के अंदर भी मटीरियल लेबर एंड ओवर ओके एक बार ये सब काम कर लोगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा ये वाली फिगर ये वाली फिगर और ये वाली फिगर दीज थ्री विल बी योर अमाउंट्स इन योर प्रोसेस अकाउंट दैट इज फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर थर्ड नंबर ये वाला जो नंबर है ये इधर भी आ जाएगा कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फिगर भी मिल जाएगा एंड योर अकाउंट्स विल गेट टैलीड ओके आपके पास चार मिनट हैं ये पूरा का पूरा सम खत्म करने के लिए स्टार्ट करो नाइन सिक्सटी का लॉस आएगा जो कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट को चला जाएगा फिफ्टी फोर सिक्स सिक्सटी टू फाइव सिक्स जीरो फाइव फोर नाइन जीरो चलिए सुनिए इस क्वेश्चन के शॉर्ट्स के अंदर जरा चेक करना सब लोग नॉर्मल लॉस एंड नॉर्मल लॉस आर ऑलवेज आउट ऑफ करंट इनपुट इरेस्पेक्टिव ऑफ द मेथड फॉलोड इरेस्पेक्टिव ऑफ द मेथड फॉलोड स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस शुड ऑलवेज बी रिड्यूस्ड फ्रॉम मटेरियल कॉस्ट आगे ब्रेकअप ऑफ क्रेडिट साइड एज पर फीफो मेथड इज कंपल्सरी डेबिट साइड इज नॉट कंपल्सरी ऑल ऑल्डो बेटर टू बी डूइंग इट तुमको ना तीन चार क्वेश्चन के बाद पता चल जाएगा अगर ये डेबिट साइड वाला ब्रेकअप नहीं भी करते हो ना तो भी चलेगा बिकॉज वॉट यू रिक्वायर इज बेसिकली दिस आठ सो दिस सात हजार एक सौ चार सो एंड नौ सो ऑल दो आई स्टिल डू इट ताकि किसी के दिमाग के अंदर कुछ डाउट वो ना रहे और लास्ट वाला पॉइंट यूनिट स्क्रैप इधर मीन्स नॉर्मल लॉस प्लस एबनॉर्मल लॉस और नॉर्मल लॉस लेस एबनॉर्मल ठीक है चलिए अभी एक क्वेश्चन अपना हो गया यहां पे मैंने नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस किया मैं यूजुअली टाइटल्स दे देता हूं ताकि वेन एवर यू आर अबाउट टू बी रिवाइजिंग इन दैट पर्टिकुलर केस तुमको यहां पर कोई दिक्कत ना हो ओके यू कैन ट्रेस योर क्वेश्चन फास्टर तो दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ नॉर्मल लॉस विद एबनॉर्मल गेन ठीक है स्टार्ट कर लेते हैं पढ़ी सरा प्लीज द फॉलोइंग डेटा पर्टेन्स टू प्रोसेस वन फॉर द मंथ ऑफ मार्च ऑफ बीटा लिमिटेड जो भी बोलने का ओपनिंग डब्ल्यू आईपी फिफ्टीन हंड्रेड यूनिटी थाउजेंड डिग्री ऑफ कंप्लीशन मटीरियल लेबर एंड ओवर इनपुट ऑफ मटीरियल एटीन फाइव हंड्रेड यूनिट एट फिफ्टी टू थाउजेंड डायरेक्ट लेबर उसके बाद ओवरहेड्स क्लोजिंग डब्ल्यू आई पी फाइव थाउजेंड यूनिट्स डिग्री ऑफ कंप्लीशन मटीरियल लेबर इन ओवर हिट्स नॉर्मल लॉस इज टेन परसेंट ऑफ टोटल इनपुट उसका पिछली बार की तरह ही मतलब है ओपनिंग डब्ल्यू आईपी प्लस यूनिट पुट इन स्क्रैप वैल्यू इज रूपीज टू उसके बाद यूनिट ट्रांसफर टू द नेक्स्ट प्रोसेस इज फिफ्टीन थाउजेंड यू आर रिक्वायर टू प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट एंड अदर अकाउंट्स मेरे को अभी तुम लोग ना क्वेश्चन तुम्हारे सामने है ठीक है क्वेश्चन तुम्हारे सामने है. एक बार जरा सोच के बोलना क्वेश्चन पढ़ के तुम लोग मेरे को बोल सकते हो कि अब नॉर्मल लॉस आएगा कि अब नॉर्मल गेन आएगा अभी ये मत बोला सर आप ही ने लिखा है अब नॉर्मल गेन तो अब नॉर्मल गेन ही आएगा कुछ और अक्कल वाली बात करना मैं बोलो सम देखकर पता चलता है क्या कि अब नॉर्मल लॉस आएगा कि गेन आएगा नो no, सर मेरे हिसाब से भी नहीं पता चलता क्योंकि सम के अंदर ना यूनिट स्क्रैप्ड करके नहीं है यूनिट स्क्रैप होता है ना तो पता चल जाता है अगर नहीं होता ना तो नहीं पता चलता तो अभी अपने को अकाउंट बनाकर ही पता चलेगा बैलेंसिंग फिगर किस तरफ आ रहा है

तो यहां पे दोनों के लिए वी विल बी मेकिंग सिंगल कॉलम ठीक है तो तो सेम ही है ना भाई लेबर एंड ओवर एंड ओवर की भी कोई जरूरत नहीं है तो तुम लोग अपने स्टेटमेंट ऑफ इक्वालेंट स्टेटमेंट ऑफ इक्वालेंट आउटपुट के अंदर भी एक मटेरियल का कॉलम और एक लेबर एंड ओवरहेज का ठीक है उतना काम करो मैं कॉपी पेस्ट करता हूं सॉरी बोल बेटा बराबर है लेकिन वो तूने अकाउंट विजुअलाइज किया तो ही तेरे को पता चला ना बेटा उसके बगैर नहीं पता चलेगा तूने अकाउंट विजुअलाइज किया तो ही तेरे को तो पता चला ना हाँ उसके बगैर नहीं जैसे पिछली बार यूनिट स्क्रैप देखकर ही पता चल जाता है और बाकी कुछ चीज की जरूरत नहीं पड़ती तो वैसे नहीं पता चलेगा ठीक है ये कंप्लीट करो आई एम जस्ट कमिंग बैक सुनो तो स्टार्ट कर लेते हैं ओपनिंग डब्ल्यू तो लिखिए टू ओपनिंग स्टॉक फिफ्टीन हंड्रेड फिफ्टीन थाउजेंड उसके बाद टू मटीरियल लेबर फैक्ट्री ओवर हेड्स तो एडजस्टमेंट नंबर वन किया स्टेज ऑफ कंप्लीशन बाद में कर लेंगे इनपुट ऑफ मटेरियल्स एटीन फाइव हंड्रेड फिफ्टी टू थाउजेंड लेबर ओवर एड्स फोर्टीन थाउजेंड ट्वेंटी एट थाउजेंड मेरे को बोलो क्रेडिट साइड पे सबसे पहला चीज जो हम लोग रिकॉर्ड करते हैं वो कौन सी चीज होती है नॉर्मल लॉस तो यहां नॉर्मल लॉस नॉर्मल लॉस के बारे में देखो एडजस्टमेंट नंबर सिक्स है नॉर्मल लॉस इज टेन परसेंट ऑफ टोटल इनपुट टोटल इनपुट का मतलब वही है ओपनिंग डब्ल्यू आईपी प्लस यूनिट इन तो टेन परसेंट ऑफ एक बार यहां पे ना ये वाला चीज दिखा दिया करो कुछ भी जो कंप्यूट करते वो दिखाया करो इधर टू थाउजेंड नॉर्मल लॉस इज ऑलवेज वैल्यूड एट स्क्रैप वैल्यू स्क्रैप वैल्यू बेटा यहां पर ही दिया हुआ है इस टू पर फोर थाउजेंड अभी इसके बाद बाय प्रोसेस वन से गुड्स क्या बेटा ट्वेंटी बेटा ट्वेंटी थाउजेंड का टेन परसेंट ना तो दो हजार ही हो जाएगा ना टेन परसेंट है ना उसका प्रोसेस टू देखो जरा प्रोसेस वन से प्रोसेस टू कितना यूनिट्स गया बेटा पॉइंट नंबर एट के अंदर है फिफ्टीन थाउजेंड उसके बाद बाई क्लोजिंग स्टॉक भी अपने को दिया हुआ है लास्ट लाइन पे thousand. भी लिखोगे तो भी चल जाएगा फाइव थाउजेंड देखो ये अकाउंट के नंबर सोचकर ही पता चल जाता है कि सर सम के अंदर एबनॉर्मल गेन आएगा ये टोटल जो है ये ट्वेंटी तो टू थाउजेंड है क्रेडिट साइड इज हेवियर तो टू टू एबनॉर्मल गेन अच्छा सुनो लिखने का है तो बैलेंसिंग फिगर करके डाल देना ठीक है वैसे भी तुमको समझ में आएगा एबनॉर्मल गेन 2000 से ज्यादा तो नहीं हो सकता था तुमको समझा इस, क्यों इस क्यों इट इज पार्ट ऑफ नॉर्मल लॉस अच्छा तुमको एक और चीज अभी समझ में आती है कि इस सम के अंदर इन रियलिटी लॉस तो हुआ ही नहीं क्योंकि सारा का सारा दो हजार क्या बन गया एबनॉर्मल गेन बन गया ठीक है इन एनी केस सुनो हम लोग कई चिंदी चिंदी अकाउंट पहले खत्म कर लेते हैं तो यहां पर लिखना टू प्रोसेस वन 2000, 4000, ठीक है यहां पे लिखना टू प्रोसेस वन एक ही चीज लिख सकता हूं अभी तक कॉस्ट तो मालूम ही नहीं है वो तो बाद में ही पता चलेगा सुन मेरे को बोलो रद्दी वाले को कितना लॉस बेचेगा बेटा जीरो जीरो ना जीरो, क्योंकि जीरो। सारा का सारा क्या बन गया एबनॉर्मल गेम देखो बाय कैश बैंक नील ये तो अपने पहले क्वेश्चन से आया यार तो मेरे को 2000 यूनिट बेच के 4000 क्यों नहीं मिला क्योंकि ये सारा का सारा क्या बन गया है एबनॉर्मल गेन एबनॉर्मल गेन अकाउंट के डेबिट साइड पे टू नॉर्मल लॉस 2000 4000 सब लोगों को ये एबनॉर्मल गेन अकाउंट याद आता है ना मैंने इसके अंदर कुछ भी अलग नहीं किया बेटा जो आज तक किया वही चीज किया एक भी चीज अलग नहीं है ओके और एंड के अंदर इधर प्रॉफिट आ जाएगा जो पीएनएल अकाउंट को चला जाएगा दिस जॉब इज ऑल टूगेदर डन ये काम तुम्हारा पूरा का पूरा हो गया अभी आगे चलते हैं। जब आगे चल रहे हैं तो एक सेकेंड समय इधर है अभी मेरे को जरा बोलो इवन विदाउट टॉकिंग ऑफ द मेथड। वट इज द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड डू विदाउट इवन टॉकिंग ऑफ द मैथड अरे यार क्या यार मैं बोलता है विदाउट टॉकिंग ऑफ द मेथड ऑल्सो सबसे पहला काम क्या करने का नॉर्मल लॉस इज ऑलवेज आउट ऑफ दिस तो यहां पे लिख देना 2000 सॉरी बस अभी अब नॉर्मल लॉस तो है नहीं तो वो वाला चीज जाने दो ठीक है अभी उसके बाद मेथड का नाम लिखो सर वी फॉलो फीफो मेथड तो अब मेरे को एक नंबर बोलना सबसे पहले कौन सा नंबर दिमाग में आता है तो ये तो का दो पार्ट बेटा पंद्रह सो तो थर्टीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड मैं हमेशा की तरह कलर से शेड कर देता हूं ताकि दिमाग के अंदर कोई डाउट ना रहे तो ये हो गया ये हो गया फिर उसके बाद ये पंद्रह सो ये 1500 अभी उसके बाद 13500 तो इसका पार्ट हो जाएगा ना 13500 तो ये 13500 जो है इधर हो गया ठीक है उसके बाद एटीन फाइव का एक तीसरा वाला पार्ट भी तो आएगा मेरे को बोलो उसका लास्ट पार्ट क्या आएगा बेटा फाइव थाउजेंड ठीक है ऑब्वियसली किसी के मन में एक डाउट आ रहा होगा तो रुक जाओ फाइव थाउजेंड ये वाला फाइव थाउजेंड है अभी को बोलता है सर ये टैली नहीं होता आप क्या सिखाता है हमको बेटा वो टैली तो होएगा भी नहीं मेरे को तुम लोग बोलो टैली क्यों नहीं होएगा क्योंकि ये वाला 2000 का लॉस तो सच्ची के अंदर हुआ ही नहीं ना कभी तुमको समझ में आता है हम लोगों ने पहले बोला 2000 का लॉस लेकिन वो वाला लॉस तो हुआ ही नहीं तो इसलिए वो टैली नहीं हो रहा जो भी फर्क है दो एक तो मैंने तुम लोग को बोला मेरे को ना पिछले क्वेश्चन के अंदर शॉर्ट्स के अंदर भी लिखा हुआ मेरे को डेबिट साइड के ब्रेकअप की कोई जरूरत नहीं है ओके okay. तो अगर ऐसे भी छोड़ दोगे तो भी चलेगा वो तो बोलते सर रात को नींद नहीं आएगा सर सपने में भी नहीं सो सपने में भी यही सोचेगा टैली कैसी होएगा अकाउंट्स की बहुत वो बुरी आदत है ठीक है तो फिर एक काम कर ले यहां से गेन 2000 का लेस कर ले तो यहां पे लिख लेना लेस एब गेन 2000 क्योंकि उतना लॉस तो हुआ ही नहीं ना तो अगर टैली करने का है रात को नींद नहीं आएगा तो टू के नीचे लिख लेना लेस एब गेन टू फिर वो वाला लॉस नील हो जाएगा टैली हो जाएगा ये भी अगर तेरे को टैली करने का मन है एग्जाम के अंदर तो ऑनेस्टली हम मैं कभी डेबिट साइड का ब्रेकअप नहीं करता ओके लेकिन करने का है तो करो इट इज ऑल फाइन ओके इट ऑलवेज मेक्स योर कंसेप्ट बेटर ओके कभी भी जिंदगी में डाउट नहीं आएगा कि टैली क्यों नहीं हुआ ठीक है तो टैली कर दिया आप लोगों ने मेरे को लास्ट टाइम जरा बोलो मैंने अब नॉर्मल गेन यहां से क्यों लेस किया क्योंकि नॉर्मल लॉस हुआ ही नहीं तो जितना नॉर्मल लॉस नहीं हुआ उतना लेस करेगा ना मैं मतलब नॉर्मल गेन लेस करेगा ना मैं ठीक है चलो अभी स्टेट ऑफ इक्वाल आउटपुट स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैंने एक चीज तो लिखा हुआ है कंप्लीट करो सर आप प्लीज ये पूरा लाइन एंड तक कंप्लीट करना चलो सिर्फ इतना ही कंप्लीट करो ना यार क्योंकि मेरे को तुम्हारे ऊपर कई चीजों के लिए ट्रस्ट नहीं है स्पेशली जिन लोगों का मैथ्स अच्छा नहीं है तो उतना ही लिखो बस चलो सुनो ओपनिंग स्टॉक पंद्रह यूनिट उसका स्टेज ऑफ कंप्लीशन हंड्रेड एंड थर्टी थ्री वन थर्ड था हंड्रेड परसेंट पहले से था तो इस पीरियड के अंदर तो जीरो आया सब लोगों का मैच थोड़ा बहुत ठीक ठाक हो चुका है थर्टी थ्री वन थर्ड परसेंट इज वन थर्ड ऑफ अ फ्रैक्शन नो थैंक यू हाँ थैंक यू तो वन थर्ड काम हो चुका है तो इस पीरियड के अंदर बोलो टू थर्ड काम हुआ तो पंद्रह सो का टू थर्ड करना वो इजी है इसलिए मैं ऐसे लिखता हूं तो वन थाउजेंड अभी उसके बाद मेरे को बोलो तुम्हारे हिसाब से सेकेंड लाइन क्या आएगा बेटा स्टार्टेड एंड फिनिश्ड वो ही आना चाहिए और कुछ मेरे ख्याल से तो स्ट्राइक भी नहीं होता अपने को तो लिखो करेक्ट ही है वो स्टार्टेड एंड फिनिश्ड अपना अकाउंट देखो और बैलेंसिंग और तुम्हारा स्टार्टेड एंड फिनिश का बेटा यूनिट्स कितना था बोलो थर्टीन फाइव हंड्रेड परसेंटेज हंड्रेड परसेंट एक लाइन छोड़ना मेरे को चलो ये तो बोलो एक लाइन छोड़ने के बाद क्या लिखने का मन करता है स्टार्टेड बट नॉट फिनिश्ड स्टार्टेड एंड नॉट फिनिश या स्टार्टेड बट नॉट फिनिश जो भी लिखने का है अच्छा, उसका यूनिट्स जो है फाइव थाउजेंड अच्छा इधर नाइन्टी थर्टी है तो मेरे को बोलो मैं कितना लिखू नाइनटी थर्टी ना नाइन्टी थर्टी नाइनटी थर्टी अभी इसके अंदर तुमको कोई दिक्कत ही नहीं आएगी. फोर्टी फाइव हंड्रेड फिफ्टीन हंड्रेड अभी नेक्स्ट चीज अभी ऑनेस्टली ना कई लोगों को लगता है मैं शो ऑफ बहुत करता है मैं शो ऑफ जीरो करता हूं लेकिन ना तुम लोग को जो नेक्स्ट चीज अभी मैं बोलने जा रहा हूं उसका रीजन तुमको वो किधर भी नहीं मिलेगा योर मॉड्यूल्स आर देर विद यू ऑल कैन ऑलवेज ट्राई देखो जब मैं थोड़ी देर में कॉस्ट निकालूंगा ना तो मेरे को तीन चीजों का कॉस्ट चाहिए बेटा कॉस्ट कॉस्ट ऑफ गुड्स कंप्लीटेड वो तो मिल जाएगा इसका भी तो कॉस्ट चाहिए ना यार पिछली बार एबनॉर्मल लॉस का कॉस्ट चाहिए था इस बार एबनॉर्मल गेन का कॉस्ट चाहिए ठीक है लिखना नहीं है मैं जब तक नहीं बोलता बिल्कुल भी नहीं लिखना देखो अभी अगर तुमको ऐसे ही बस मनाने के लिए मैं एक चीज बोलूं तो जस्ट लाइक दैट ओ एबनॉर्मल लॉस पिछली बार इस स्टेटमेंट के अंदर एड हुआ था तो एबनॉर्मल गेन लेस हो जाएगा मेरा काम खत्म हर एक बुक वैसे ही बताता है

अभी मैं यही सोचता है यार ये 2000 यूनिट किधर होंगे ये 2000 हजार एवरीथिंग ऑन डेबिट साइड हैजू बी देयर क्रेडिट साइड और देखो दीज आर गुड यूनिट हाँ ओरिजिनली ये वो वाला लॉस है जो होना चाहिए था लेकिन वो लॉस नहीं हुआ इसलिए ये अब नॉर्मल गेन बन गया तुम लोग उतना तो मानते हो अच्छा लेकिन अगर उतना मानते हो तो ये भी मानते हो दैट दीज आर गुड यूनिट्स नाउ एंड इफ दीज आर गुड यूनिट्स मेरे को इनका स्टेज ऑफ कंप्लीशन भी तो चाहिए क्योंकि लाइक एबनॉर्मल लॉस इवन एबनॉर्मल गेन इज वैल्यूड एट कॉस्ट ओनली वो तो मेरी एफिशिएंसी की वजह से ज्यादा यूनिट बने तो मेरे को 2000 यूनिट्स का कॉस्ट भी तो चाहिए अभी 2000 यूनिट का कॉस्ट कैसे मिलेगा यार सुनो दैट डिपेंड्स कि 2000 यूनिट जो है एवरी थिंग ऑन डेब साइड में आएगा, ये तो ये है। वो तो बात ही खत्म हो गईनिंग तो स्टॉक ही कंप्लीट हुआ तो ये जो एक्स्ट्रा यूनिट बने या वो इस तेरह हजार पांच सौ के अंदर या वो इस पांच हजार के अंदर तुमको समझा ये वाली बात yes, sir.

दो हजार देखो ये पंद्रह सो तो इधर है बेटा मेरे को उसके बारे में बात भी नहीं करना है। ये जो दो हजार यूनिट एक्स्ट्रा बना आर गुड यूनिट्स ये गुड यूनिट्स या तेरह हजार पांच सौ का पार्ट होगा या इस पांच हजार का पार्ट होगा और तो कुछ हो नहीं सकता अगर तुम लोग ऐसा बोलते हो कि ना वो दो हजार वो जो दो हजार है सर वो ना तेरह हजार पांच सौ का पार्ट है तो अब तुम लोग मेरे को बोलना सब लोग मेरे को बोलना और सब लोग मेरे को जरा बोलना મેગો બોલો યે 2000 યુનિટ કા સ્ટેજ ઓફ કમ્પ્લીશન કેટના લખું 100 100 100% 100% તુમકો સમજાજો મેને બોલા યસ સર ઓકે અગર એસા તુમ લોગ બોલતે હો તો તો इधर आ जायेगा 2000 ઓર इधर आ जायेगा 2000 ફિર ભી કીસી કે મન મે ડાઉટ હોઈગા સર લેકિન એબ નોર્મલ ગેઇન લેસ ક્યો કરને કા સર થોડી دیر મે બતાતા હૈ ઠીક હૈ યે એક ઓપ્શન હે યહ યેલો વાલા ઓપ્શન કર લો કોઈ બોલતે નહી સર મેરે મન મે તો એસા થા કી વો ક્લોઝિંગ સ્ટોક કે અંદર સે હે तो ठीक है तो फिर इधर से लेस कर लो और क्या अभी अगर ऐसा करोगे तो मेरे को सर आप बोलो स्टेज ऑफ कंप्लीशन कितना लिखूटी 90% नाइनटी परसेंट थर्टी परसेंट क्योंकि तुम लोग खुद ही बोल रहे हो सर वो क्लोजिंग स्टॉक के अंदर है तो जो स्टेज ऑफ कंप्लीशन क्लोजिंग स्टॉक का वो इन यूनिट्स का भी इज दैट अंडरस्टर्ड अच्छा तो ये वाला जो फिगर है ये आ जाएगा 1800 और ये वाला जो फिगर है ये आ जाएगा 600 ठीक है अभी दुनिया का कोई भी बुक तुमको ये दो ऑप्शन नहीं देगा कोई भी बुक तो कोई भी बुक ओके वो लोग दोनों में से एक ही ऑप्शन करता है एक्चुअली पीपल डोंट इवन नो दैट दीज आर द टू ऑप्शंस क्योंकि वो लोग इन दोनों में से एक ही ऑप्शन करता है तुम्हारे तो हिसाब से मेरे को जरा बोलो आईसीए और बाकी लोग कौन सा ऑप्शन वो करता होगा येलो की ग्रीन येलो, येलो। तो क्यों ग्रीन, ग्रीन। पागल ग्रीन। मैंने जब ही पूछा कि येलो क्यों तो तुम लोग बोलते हैं ग्रीन सुनो तो मैं तुमको वो रीजन देता हूं अच्छा सॉरी सुनो मैं तुमको येलो का रीजन देता हूं कि सब लोग येलो वाला ही काम करता है उसका और कोई रीजन नहीं है एक्सेप्ट कैलकुलेशन विल बी वेरी इजी आफ्टर दिस तुमको समझा क्यों 100 100 क्यों हंड्रेड हंड्रेड अगर है तो फिर जैसे तू स्टार्टेड एंड फिनिश निकालता है तू वैसे ही डायरेक्टली अब नॉर्मल गेन का भी आंसर निकाल लेगा तुमको समझ में आता है दैट इज वाई एवरी बुक इन दिस वर्ल्ड एवरी बुक ओके विल ओनली गिव यू द फर्स्ट ऑप्शन दे दोज गैस डोंट इवन नो ऑल्सो दैट देर इज अ सेकेंड ऑप्शन लाइक दिस इवन इफ यू डू दिस ऑनस्टली मेरे को लगता है इंस्टीट्यूट को समझ में भी नहीं आएगा क्योंकि उन लोगों ने वो वाला सोल्यूशन कभी देखा भी नहीं होगा बट इफ यू वॉन्ट टू गो टू द सुप्रीम कोर्ट एंड फाइट आउट द केस यू विल गेट बोथ द आंसर करेक्ट ओके ऑल्दो इतना टाइम अपने पास भी नहीं है डेली जाकर बेकार का प्रोटेस्ट करने का ओके okay. तो अभी एक काम जरा करो यू राइट डाउन दिस और एक क्वेश्चन का आंसर अभी भी देना बाकी है वो देता हूं पहले तुम लोग येलो वाला ऑप्शन लिख लो सोलह हजार चौदह हजार हो गया बेटा सर। चलो सुनो अभी बस एक चीज मैं करता हूं फिर आप लोग सम खत्म कर लो ठीक है उसके बाद एक बहुत बड़ा क्वेश्चन रह जाएगा लेकिन सर लेस क्यों किया वो वाला क्वेश्चन मैं आंसर करूंगा थोड़ी देर के बाद अभी मटेरियल का कॉस्ट फिफ्टी टू थाउजेंड लेबर और ओवरहेड का कॉस्ट फोर्टीन थाउजेंड ट्वेंटी एट थाउजेंड बस एक चीज मेरे को बोल दो ना प्लीज 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 प्लीज, 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 प्लीज। मटेरियल के अंदर से एक चीज लेस करना बाकी है मेरे को बोलो क्या स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस सुनो कोई बच्चा ऐसा जरूर सोचता होगा लेकिन सर स्क्रैप तो हुआ ही नहीं ना इस बार किसी ने ऐसा सोचा बट योर जॉब इज ऑलवेज टू मेंटेन योर अकाउंट एट नॉर्मल कॉस्ट हमारे फर्स्ट थ्री क्वेश्चन के अंदर भी जब भी अब नॉर्मल गेन होता था ओके okay, मतलब उतना स्क्रैप नहीं जनरेट हुआ लेकिन हम लोग हमारे नॉर्मल कॉस्ट के अंदर से स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस तो करता था ना आगे। क्योंकि जॉब इज ऑलवेज टू मेंटेन द अकाउंट एट नॉर्मल कॉस्ट ओके okay? ये जो एब नॉर्मल गेन हुआ वो तेरी एफिशिएंसी की वजह से हुआ उसका क्रेडिट हम लोग बाद में लेंगे ओके इन दिस पर्टिकुलर केस यहां से तो आपको चार हजार रुपए पूरा का पूरा क्रेडिट करना ही पड़ेगा मतलब लेस करना ही पड़ेगा क्योंकि यू हैव टू मेंटेन योर अकाउंट एट नॉर्मल कॉस्ट ठीक है बस अभी इसके बाद मैं तुम लोग के अगेंस्ट इंटरफेयर कुछ भी नहीं कर रहा हूं एक क्वेश्चन का आंसर मेरा वो बाकी है वो थोड़ी देर में करता हूं लेकिन तुम लोग पूरा का पूरा सम जो है इस वक्त खत्म कर लेना और एबनॉर्मल गेन का तुम्हारा काम एक लाइन के अंदर हो जाएगा एक लाइन से ज्यादा तुम लोग को नहीं चाहिए रहेगा वो वाला लाइन में लिख ही रहा हूं डायरेक्टली जब तुम लोग यहां तक पहुंचोगे तुमको समझ में आ जाएगा कि सिक्स रुपीज की दर से आया है स्टार्ट करो खत्म करो एक सेकेंड ना, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड स्टार्ट करो प्रथम वो करेक्ट है। वाला फिगर नाइनटी नाइन थाउजेंड आएगा बेटा अपने सारे अकाउंट्स इंश्योर करना कंप्लीट हो जाए नॉर्मल गेन अकाउंट भी कंप्लीट करने का था कॉस्टिंग पी अकाउंट एट थाउजेंड ज इट डन चलो सर देखो yes, मैं इस क्वेश्चन का एक बार शॉर्ट्स पढ़ देता हूं उसके बाद एक अपना जो लास्ट क्वेश्चन जो मेरे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट आई टेल यू ऑल नॉर्मल लॉस ऑलवेज इज आउट ऑफ करंट इनपुट ठीक है ये वाला चीज सेकंड करंट इनपुट विल नॉट टैली टिल द टाइम यू रिड्यूस एव नॉर्मल गेन फ्रॉम नॉर्मल लॉस दैट यू ऑल हैड रियलाइज ऑल्सो Do remember normal uh, normal fundas learned in the first few questions. Abnormal gain is reduction in normal loss. Stage of completion of abnormal gain should always be taken as 100% as we assume that these are completed units. In such questions, stage of completion of scrapped units are given. Uh, ignore it as for normal loss. Uh, ये वाला पॉइंट तुमको ना नेक्स्ट क्वेश्चन के कहना पता चलेगा मैं अभी के लिए वो नहीं पढ़ता हूं कुछ कंफ्यूजन ना हो जाए डू रिमेंबर दैट वी स्टिल रिड्यूस स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस फ्रॉम मटीरियल कॉस्ट जो चार हजार रुपए आप उन लोगों ने रिड्यूस किया है ऑल्दो वी हैव नॉट रिसीव एज आर एम इज टू स्टिल मेंटेन प्रोसेस अकाउंट एट नॉर्मल कॉस्ट लाइक आर फर्स्ट थ्री क्वेश्चन ठीक है फिफ्थ पॉइंट तुमको एक दो क्वेश्चन के बाद बता देता हूं ठीक है क्योंकि यहां पर मैंने लिखा भी है नॉट एप्लीकेबल टू दिस क्वेश्चन ठीक है अभी लास्ट चीज है ये अपना सब लोग ध्यान देना अगर समझ में आएगा ना यू ऑल कैन राइट अ बुक ऑल्सो ओके एंड गुड बुक यू विल बी एबल टू राइट कि यार एबनॉर्मल जीन जो है लेस क्यों होता है ठीक है ध्यान से सुनना देखो अभी तुम लोग खुद ही बोल रहे हो कि सर 2000 यूनिट जो एक्स्ट्रा बनाना वो 13500 के अंदर से है ठीक है बराबर से सुनना मतलब मेरे को जरा बोलो अगर मैं एक्स्ट्रा एफिशिएंट नहीं होता अगर मैं एक्स्ट्रा एफिशिएंट नहीं होता तो ये वाला फिगर फिर कितना होता ग्यारह ग्यारह पांच सौ ठीक है तो मैं क्या करता हूं थोड़ी देर के लिए यही वाला काम कर देता हूं शाल सराफ जो आपने पूछा है बेटा नॉर्मल लॉस का स्क्रैप वैल्यू वी विल ऑलवेज डिडक्ट फ्रॉम हियर ओनली बिकॉज ऑफ वन रीजन वी स्टिल वांट टू मेंटेन द अकाउंट एट नॉर्मल कॉस्ट बस अभी जो मैं बोल रहा हूं कुछ और मैं अब नॉर्मल गेन का बात कर रहा हूं मैं नॉर्मल लॉस का बात नहीं कर रहा हूं सुनो आ, देखो तो अगर मैं एक्स्ट्रा एफिशियंट नहीं होता तो फिर यहां पर ग्यारह आता ठीक है यहां पर भी ग्यारह आता यहां पर भी ग्यारह हजार पांच सौ आता जरा सोचो फिर भी तुम्हारे आंसर सेम ही रहते सोचो जरा एक बार फिर भी तुम्हारे आंसर तो सेम ही रहते ना क्योंकि यहां पे तेरह हजार पांच सौ लिखा था, था, था यहां पे सब कर लिया दो हजार अगर तुम लोग एफिशिएंट नहीं होते ठीक है तो फिर स्टार्टेड एंड फिनिश ग्यारह हजार पांच सौ ही होता तुम्हारे ये वाले जो क्वांटिटीज हैं वो तो सेम ही रहते ना तुम्हारे ठीक है लेकिन क्या हुआ मैं तो महान बंदा निकला मैं तो एफिशिएंट निकला अगर मैं एफिशिएंट निकला तो मेरी एफिशिएंसी की वजह से 2000 यूनिट एक्स्ट्रा बने ठीक है ध्यान से सुनना तो मैं नेक्स्ट डिपार्टमेंट को तो जितना यूनिट्स मैं उसको ट्रांसफर कर रहा हूं उसका कॉस्ट तो मैं उसको ट्रांसफर करूंगा मतलब मैं उसको तेरह हजार पांच सौ यूनिट का कॉस्ट तो चार्ज करूंगा ना वो तेरह हजार पांच सौ के अंदर वो दो हजार यूनिट भी तो आई गए ना जिसका मैं कॉस्ट उसको चार्ज करूंगा लेकिन मैं उसके बाद क्या बोलता हूं नहीं 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 इसके अंदर से दो हजार रुपया सॉरी दो हजार यूनिट इंटू छर्चा तो अपना हुआ ही नहीं क्योंकि सच्ची के अंदर तो दो हजार यूनिट एक्स्ट्रा बने मैं फिर से रिपीट करता हूं मैं फिर से रिपीट करता हूं अगर मैं एफिशियंट नहीं होता तो स्टार्टेड एंड फिनिश का फिगर वो कितना होता बोलो मेरे को लेवन थाउजेंड फिर तुम लोग नेक्स्ट डिपार्टमेंट को 11,500 यूनिट चार्ज करता तो इज तो इज दैट ओके तो फिर यहां पर ये वाला जो फिगर है 13,500 के बदले में 11,500 हजार पांच आता यू विल चार्ज डिपार्टमेंट ग्यारह हजार पांच सौ इंटू okay? लेकिन अगर तुम एफिशिएंट निकला तो मेरे को जरा बोलो हम लोग एफिशिएंट है हम लोग बोले तो प्रोसेस वन के टू one, one. प्रोसेस वन एफिशिएंट है तो प्रोसेस वन ने अगर दो यूनिट एक्स्ट्रा बनाए हम लोग नेक्स्ट डिपार्टमेंट को तो दो यूनिट का कॉस्ट चार्ज करेगा ना तो हम लोग यहां पे जब तेरह हजार पांच सौ इंटू छे लिखा तो मतलब मैंने वो दो हजार यूनिट का भी कॉस्ट नेक्स्ट डिपार्टमेंट को तो ट्रांसफर किया और फिर मैं क्या बोलता है कि ये दो हजार यूनिट का खर्चा तो सच्ची के अंदर एक्स्ट्रा हुआ ही नहीं क्योंकि क्योंकि मैं एफिशिएंट था अगर मैं एफिशिएंट था तो मेरी वजह से दो हजार यूनिट एक्स्ट्रा बने तो उन यूनिट का कॉस्ट जो है मैं यहां पर उसका क्रेडिट ले लेता हूं तुमको समझा ये चीज तो एक्चुअली आई एम राइटिंग ग्यारह हजार पांच सोल ट आई एम राइटिंग ग्यारह हजार पांच सो इन टू स्टेप्स विच टू स्टेप्स फर्स्ट आई एम चार्जिंग नेपार्टमेंट फॉर दोस्ट्रा टू थाउजेंड यूनिट एंड देन सेकेंड बोलो ना सेकंड बोलो ना सेकंड बोलो ना एंड देन आई ट्राई टू बी सेम भाई दो हजार इन टू छ का तो खर्चा हुआ ही नहीं मेरा अगर वो खर्चा मेरा हुआ ही नहीं देट बिकम्स माई प्रोफिट नो इन दिस केस टू थाउजेंड अल्टीमेटली विल गेट ट्रांसफर टू कॉस्टिंग पी एन एल अकाउंट ऑब्वियसली आफ्टर डिडक्टिंग ये वाला स्क्रैप लॉस्ट वो तो हमेशा वो होता ही है ओके सो दैट इज द रियल रीजन की आप लोग यहाँ पे एबनॉर्मल गेन लेस क्यों करते हो मेरे दो फोल्ड ऑब्जेक्टिव हो जाते हैं क्योंकि मैं नेक्स्ट डिपार्टमेंट को फिर भी 2000 यूनिट के लिए चार्ज कर रहा हूं जो मेरे को चार्ज करना भी चाहिए उसको तो मैं 2000 यूनिट एक्स्ट्रा ट्रांसफर वो करी वो कर ही रहा हूं ना तो उसको तो मैं छह रुपया चार्ज करेगा एंड आई विल कीप द क्रेडिट इन दिस केस फॉर टू ठीक है मैं एक तुमको लास्ट एग्जाम्पल के थ्रू आई फिनिश इट ऑफ ठीक है सपोज मेरे को दस हजार यूनिट बनाना चाहिए था मैं कुछ भी एक फालतू एग्जाम्पल वो, वो दे रहा हूं ठीक है मेरे को दो हजार मेरे को दस हजार यूनिट बनाना चाहिए था हर यूनिट का खर्चा तीन रुपए का होता है तो मेरा कॉस्ट थर्टी थाउजेंड रुपीज का लगना चाहिए था ठीक है मैं इफिशियंट निकला तो मैं क्या कर रहा हूं सपोज मैंने हजार यूनिट एक्स्ट्रा बनाए तो जिसको मैं गुड्स बेच रहा हूं ठीक है उसको तो मैं ग्यारह का ही कॉस्ट चार्ज करूंगा ना एंड आगे कुछ बोलो ना आगे कुछ बोलो ना आई विल कीप द आई विल कीप द प्रॉफिट ऑफ द कॉस्ट दैट आई हैव सेव ऑन दो थाउजेंड यूनिट दिस इज नाथिंग बट ट्रांसफर टू द नेक्स्ट प्रोसेस एंड दिस पर्टिकुलर थिंग इज नाथिंग बट योर एबनॉर्मल गेन दैट इज द रियल रीजन की एबनॉर्मल गेन इन रियल लाइफ क्यों डिडक्ट होता है ठीक है तो यह वही वाला चीज हो गया ठीक है चलो अपना आज का क्वेश्चन ये वाला जो क्वेश्चन था दिस इज ऑल टूगेदर डन ठीक है इससे क्या हुआ वेर वी आर इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर मैंने ना प्रोसेस वन के सारे क्वेश्चंस खत्म कर दिए बेस्ड अपॉन फीफो मेथड अभी कल जो क्वेश्चन आएंगे ना दो विल बी ऑल अबाउट नेक्स्ट प्रोसेस मेरे को बोलो फर्स्ट प्रोसेस और नेक्स्ट प्रोसेस के ना फर्क क्या होगा अपने क्वेश्चंस क्यों अलग हो जाएंगे क्योंकि हर नेक्स्ट प्रोसेस के अंदर दो दो मटेरियल्स आएंगे दो दो मटेरियल्स एक वो वाला मटेरियल जो इधर से जाएगा तुमको समझा? और एक वो वाला मटेरियल जो वो वाला डिपार्टमेंट ऐड करेगा उसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन धीरे धीरे बनना स्टार्ट हो जाएगा ठीक है माई जॉब फॉर दिस पर्टिकुलर लेक्चर इज कंप्लीटली ओवर दिस लेक्चर इज ओवर